नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंद के साथ होंगे। आज का जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं, यह आप सभी ने ना तो कभी YouTube में देखा होगा, ना कहीं सुना होगा। बिल्कुल एक छुपा हुआ उपाय आप सभी के सामने लाया हूं, जिसको यदि कोई भी व्यक्ति जो धन की इच्छा रखता हो, लक्ष्मी की इच्छा रखता हो, जो चाहता हो कि मैं काम भी करूं और काम के साथ साथ अच्छा मुनाफा अपने जीवन में कमाऊं और धन संपत्ति से युक्त हो जाऊं, क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छा होती है अपने जीवन में खूब पैसा हो, धन हो, लक्ष्मी हो, जो मैं काम करूं उसमें मेरी दिनों दिन तरक्की होती रहे, मैं बढ़ता रहूं आगे से आगे। क्योंकि ये नहीं कले सिर्फ उपाय करने से ही व्यक्ति के पास धन आ जाता है, तो उपाय के साथ साथ यदि आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो जो फल आपको नहीं मिलता था वह फल 100 गुना होकर के ऊपर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यही उपाय की खासियत होती होती है, क्योंकि वह हमारे किस्मत में कई ऐसी अड़चनें होती हैं ग्रहों की वजह से या कोई अदृश्य शक्तियों की वजह से, जिसके कारण व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। किसी के जीवन में किसी अदृश्य शक्ति की इतनी पावर होती है उसके जीवन में, उसके ग्रहों की, कि वह व्यक्ति बिना कुछ किए भी बहुत आगे बढ़ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत जरूर होती है। कई बार किसी का भाग्य पिछले जन्मों के कर्म साथ देते होते हैं, लेकिन यह जो मैं आज उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, यह आपकी किस्मत को बदल के रख देगा। यदि जैसे मैंने बताया है वैसे ही आप करते हैं, तो लखपति बनना तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, आप करोड़पति तक भी बन सकते हैं। आपके पास अपना स्वयं का मकान, अपना घर होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, हर चीज़ होगी। कर्जा आपके ऊपर है तो वह कर्जा भी दूर होगा। जब पैसा ही आएगा तो कर्जा होने का नाम ही नहीं लेगा, ये मान के चलें। कर्जा तो बहुत दूर की बात है, कर्जा हटना शुरू हो जाएगा। सिर्फ आपको उपाय करना है रेगुलर। आप रोज़ जब यह उपाय करोगे, दिनों दिन अपने जीवन में अपनी तरक्की को स्वयं देखोगे कि कैसे महालक्ष्मी दोनों हाथों के साथ आपके ऊपर लुटा रही हैं, कुबेर भी साथ में लुटा रहे हैं जब आप इसको करेंगे तब। तो उपाय बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय महालक्ष्मी जरूर लिखें। अब एक चीज़ और कहूँगा, वही व्यक्ति इस वीडियो को देखे जिसको धर्म पर, ज्योतिष पर विश्वास है, अपने देवी देवताओं पर विश्वास है, अन्यथा कमेंट, गलत कमेंट बिल्कुल भी ना करें, बेशक यहाँ से आप चले जाएं। गलत कमेंट करने वालों को फिर गलत जवाब ही दिया जाएगा। कई लोग मेरे को कहते हैं आप करोड़पति बन गए हो, ये है वो है, तो आप, मैं चाहे करोड़पति हूँ चाहे नहीं हूँ, इससे आपको कोई मतलब नहीं। मैं आप सभी की समस्याओं को दूर करने के उपाय बता रहा हूँ। मैं कैसा हूँ, क्या है, ये मेरे को पता है या मेरे परमात्मा को पता है, ठीक है ना। इसलिए गलत कमेंट ना करें आप। मैं जनहित के लिए आप कोई उपाय बता रहा हूँ, तो ये गुप्त उपाय होते हैं, आप सभी के लिए हैं। करना नहीं चाहते तो आप देख करके छोड़ दें, करना चाहते हो तो वह आपके लिए ही अच्छा है, ठीक है ना। तो अब मैं शुरू करूँगा वह उपाय जो कि हर व्यक्ति के लिए, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, चाहे बच्चे हैं, कोई भी इस उपाय को कर सकता है, चाहे कोई वृद्ध है। जिसको धन की इच्छा है, जो चाहता है मैं लक्ष्मीवान बनूँ, मेरी मेहनत का मेरे को अच्छा फल मिले, और कोई कर्जा है या कोई मेरी इच्छा है वह पूर्ण हो जाए, तो यह उपाय जब भी शुरू करना है इतना ध्यान रखें कि शुक्रवार से ही शुरू करना है, या फिर जो शुक्ल पक्ष की सबसे पहली तिथि होती है, प्रथम तिथि, उसी दिन से आपको यह लगातार शुरू करना है। इसमें करना क्या होगा, आपको प्रतिदिन दही अपने पास रखनी है, यानी फ्रिज वगैरह में जमा करके रखें या ला करके रखें, और हो सके तो वह दही जो है उसको आप किसी ऐसे बर्तन में, जैसे कि जो मिट्टी का बना हो, उसमें उस दही को डाल करके रखें या उसमें जमा करके रखें। उसी में से आपको थोड़ी थोड़ी दही प्रतिदिन लेनी है। करना क्या है आगे का काम, सबसे पहले मैंने आपको बताया, या तो किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू कर दें, या किसी भी शुक्रवार से शुरू कर दें इस उपाय को, या फिर जो शुक्ल पक्ष, जिसको चानन पक्ष भी कहते हैं, उसकी सबसे पहली तिथि होगी, यानी अमावस के बाद जो सबसे पहली तिथि आती है, उस दिन से आप इसको शुरू कर सकते हैं। आपने प्रतिदिन, हर व्यक्ति नहाता है,
नहाने के बाद आपने क्या करना है, जो मैंने मिट्टी के बर्तन में दही बताई है रखने को, उसको उसमें से थोड़ी सी एक चम्मच के आसपास आपने दही को निकालना है। उस दही को चम्मच में ले लें और आपने एक मंत्र बोलना है अपने हाथ में रखते समय। ये जो हाथ हथेली है, ये मणिपुर चक्र है जहाँ से पैसा आता है बीच का, बिल्कुल यहाँ पे रखना आपको दही को। अब आपने एक मंत्र का उच्चारण करना है 7 बार। ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। इस प्रकार से उस दही को देखते हुए आपको बोलना है, बाकी दही आपने वैसे रख देनी है। अब जब आपके हाथ में यह 7 बार आपने मंत्र बोल दिया, तो इस प्रकार से इसको रगड़ना अपने हाथों में, और पूरे हाथ में इस प्रकार से रगड़ना है। जब आप यह काम करोगे, तब भी लक्ष्मी माता का ध्यान करें या ओम शुम शुक्राय नमः का मंत्र जाप करते रहें। यह आपके दिन की शुरुआत होगी। जब आप नहा धो करके बिल्कुल फ्रेश होकर के अपने वस्त्र वगैरह पहन करके, उसके बाद जैसे क्रीम लगाते हैं, तो क्रीम ना लगा करके ये लगा के देखें अपने हाथों में और देखें आप इसका चमत्कार। उसके बाद बेशक हाथ धो लें, एक बार आपने अच्छी तरीके से अपने हाथों में मल लेना है अच्छी तरीके से पूरे हाथ में, उसके बाद अपने हाथ को वॉश कर लें। और जैसे ही आप ये करना शुरू कर दोगे, यकीन माने उसी दिन से आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। जब करेंगे रिजल्ट देखेगा, खाली कमेंट में मेरे ऊपर तर्क करना, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। करके देखें फिर बोलें यदि आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो। जय महालक्ष्मी। आप कमेंट में जरूर लिखें, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। नमो नारायण, जय जय श्री राधे, जय महालक्ष्मी।